जय जिन दोस्तों, वर्धमान नेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और लेके आया हूँ 30 KVA टाटा का टर्बो इंजन के साथ में फुल जनरेटर का वीडियो। अभी मैं आपको फुल फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, 100% लोड डाल के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, टाटा 460 टर्बो इंजन का फुल फिटिंग का काम चालू है। अच्छी तरह इंजन को धोने के बाद ये क्रैंक का फिटिंग का काम हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। बहुत ही शानदार इंजन है दोस्तों, ये देख सकते हैं चारों स्लीव है, चारों पिस्टन सब ब्रांड न्यू लगाए जा रहे हैं दोस्तों। पूरे इंजन का फुल फिटिंग का काम किया जा रहा है। मेन सील, टाइमिंग सील, मेन सील, सीआर बेरिंग, करेक्टिंग रोड के बुश सब दोस्तों नया डाला जाता है। माइको से ही पंप किया जाता है, हर इंजन को इसी तरीके से काम करते हैं तभी इंजन का परफॉर्मेंस आता है दोस्तों। बहुत ही शानदार इंजन है ये टाटा 460 टर्बो इंजन है दोस्तों, पूरा 100% 30 KVA का लोड अभी मैं आपको डाल के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। और ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा इंजन फिट हो चुका है, टर्बो वगैरह सब लग चुका है, ब्रांड न्यू हम लोगों ने इसमें ऑल्टरनेटर भी कपल कर दिया है दोस्तों। अभी हम इसको बेस के ऊपर रेडी करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार जनरेटर है। इसका प्राइस जानने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9899707888 और 9810325300 नंबर पर। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम को 7 बजे तक का है। अभी पूरा जनरेटर दोस्तों रेडी हो चुका है, ऑल्टरनेटर रेडिएटर वगैरह सब लग चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। ये लक्ष्मी डीजे वाले हैं गिरडी झारखंड से, जिन्होंने हमसे परचेज किया, झालो सुहाव नाम है उनका दोस्तों। बहुत ही शानदार डीजे का काम है ये उनका, उनके लिए जनरेटर ये रेडी हो रहा है, देख सकते हैं। पूरा बेस वगैरह सब लग चुका है, प्योर कॉपर वाइंडिंग का एवीआर वाला ऑल्टरनेटर ब्रांड न्यू हम लोगों ने इसमें लगाया दोस्तों। बहुत ही शानदार ऑल्टरनेटर होता है, बिल्कुल भी वोल्टेज वगैरह की फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और ये देख सकते हैं हाफ सेल्फ में इंजन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अभी मैं आपको 100% लोड डाल के दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है, देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन जनरेटर है दोस्तों ये, 51.5 हम लोगों ने इसकी फ्रिक्वेंसी सेट करी है, 240 के आसपास वोल्टेज है दोस्तों, बिल्कुल भी वोल्टेज वगैरह की फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी आपको। अभी मैं आपको 100% लोड डाल के दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, कोई धुआं नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल एक आवाज में इंजन चल रहा है दोस्तों। चलिए पैनल पर चलते हैं और आपको पूरा 100% लोड डाल के दिखाते हैं। ये पैनल पर आ चुके हैं दोस्तों, 51.5 फ्रिक्वेंसी है, 239-237 के आसपास वोल्टेज है और ये लोड डालना चालू हो गया दोस्तों। हीटर के साथ साथ मैं आपको वेल्डिंग करके भी दिखाने वाला हूँ, वेल्डिंग का लोड भी हम लोग डालेंगे इस पर। और ये देख सकते हैं 30 एम्पीयर के आसपास लोड आ चुका है, जनरेटर को कहीं नहीं चल रहा दोस्तों, शेर की तरह इंजन दौड़ रहा है। इसको कहते हैं क्वालिटी, इसको कहते हैं काम दोस्तों, देख सकते हैं 40 एम्पीयर 42 एम्पीयर लोड आ गया दोस्तों, 45 एम्पीयर। पूरा 100% लोड डाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, हीटर का लोड है, लाइट पर और 8-10 एम्पीयर फालतू चलेगा। ये ब्रेक लोड होता है दोस्तों एक तरीके का, देखिए 50 एम्पीयर फ्रिक्वेंसी बिल्कुल मेंटेन है और 70 एम्पीयर के आसपास लोड आ चुका है। और हम इसमें वेल्डिंग चलाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं वेल्डिंग का भी काम चालू हो गया है, वेल्डिंग चल रही है, वेल्डिंग का लोड आ रहा है करीब 32-33 एम्पीयर वेल्डिंग का लोड आ रहा है और 49.5 फ्रिक्वेंसी मेंटेन है, लगभग 100 एम्पीयर लोड इस टाइम जनरेटर में चल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्वालिटी आपके सामने, 70 एम्पीयर हीटर का लोड और 32-33 एम्पीयर वेल्डिंग का लोड चल रहा है, 100 एम्पीयर बेस्ट टाइम ये जनरेटर चल रहा है। परफॉर्मेंस आपके सामने दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है। इसको कहते हैं क्वालिटी, इसको कहते हैं काम दोस्तों, देख सकते हैं। ये टर्बो इंजन है दोस्तों, इसीलिए इतना लोड ले रहा है। मार्केट में लोग टाटा 407 को ही 30 KVA में पिले जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं दोस्तों, तो कृपया बेवकूफ ना बने। ये भी लाइट ड्यूटी है दोस्तों, अगर आप हैवी ड्यूटी में जाएंगे तो टाटा 709 का इंजन देते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, 49.5 फ्रिक्वेंसी मेंटेन है, 241 वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़े ही हैं दोस्तों, घटे नहीं है, अल्टरनेटर की यही खासियत होती है। डीजे वाले भाइयों के लिए वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल 100% लोड पर बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, कोई धुआं नहीं, किसी टाइप का कोई फालतू नॉइज नहीं है और बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन है सेट के अंदर। हर एंड पे बिल्कुल ब्रांड न्यू जनरेटर बन गया, अब लोड हटा के इसे बंद करेंगे दोस्तों। और ये इंजन बंद कर रहा है दोस्तों लड़का, ये बंद हो चुका है जनरेटर दोस्तों। अब इसे अच्छी तरह पेंट करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रेडी करेंगे। और ये पूरा जनरेटर दोस्तों रेडी हो चुका है, रंग पेंट करके बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन हम लोगों ने तैयार कर दिया, देख सकते हैं आप दोस्तों। कोई देख के कहेगा नहीं दोस्तों जनरेटर पुराना है, पुराना भी क्या है, केवल दोस्तों इंजन ही पुराना है, बाकी सारा कुछ नया लगा हुआ है इसमें और इंजन को भी हम लोगों ने बिल्कुल नया बना दिया है। तो ये नया जनरेटर ही बन चुका है दोस्तों, देख सकते हैं 60 लीटर का हम लोगों ने इसमें फ्यूल टैंक लगाया डबल क्लैंप के साथ में, जिसका ये फ्यूल गेज है जो आपको बताएगा टंकी में कितना डीजल है दोस्तों, इसमें मार्किंग भी दिया हुआ है। ये दो क्लैंप है दोस्तों जिससे बिल्कुल भी टंकी हिलना है इसके अंदर, सारी टंकी वगैरह नट बोल से टाइट है, आप जब मर्जी चाहो आसानी से खोल सकते हो। सारे हैवी ड्यूटी इसके अंदर हम लोगों ने बेस लगाई है, जिसका कंट्रोल पैनल है, जिसमें एक VF लगा है जो वोल्टेज
एम्पियर फ्रिक्वेंसी घंटे सब बताएगा दोस्तों आपको। ये बहुत ही शानदार पैनल होता है दोस्तों, सारी चीज़ें आसानी से इसमें देख सकते हैं। ये इसका टेम्परेचर मीटर है, ये बैटरी चार्जिंग का मीटर है, ये खींच के बंद करने वाला है, डीसी इंडिकेटर, ये चाबी स्विच है स्टार्ट करने का, ये एसी इंडिकेटर है सर दोस्तों। डिजिटल पैनल लगाया कस्टमर की डिमांड पर हम लोगों ने, ये हैवी ड्यूटी सारे डीजल के पाइप लगाए हैं इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार पाइप होते हैं दोस्तों, ये डबल जाली के होते हैं लोहे की चद्दर वाले, और इसके अंदर हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल साइलेंसर लगाया हम लोगों ने। ब्रांड न्यू कॉपर बाइंडिंग का एवीआर वाला ऑल्टरनेटर लगाया है, फुल कॉपर का ऑल्टरनेटर होता है दोस्तों ये। इसका आउटपुट का वायर भी दिया हमने, जहाँ अपने आउटपुट के आप लोड डाल के तार जोड़ेंगे इसके अंदर। ये चार सिलेंडर का टाटा 407 टर्बो इंजन है, इसका फुल फिटिंग का हम लोगों ने काम किया है। ये इसका टर्बो लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये टर्बो की वजह से इसके बीएचपी बढ़ जाते हैं जब ये लोड लेता है। ब्रांड न्यू एयर क्लीनर लगा हुआ है इसके अंदर, सारा सामान दोस्तों नया ही लगाया जाता है, हैवी ड्यूटी इसके अंदर हम लोगों ने फैनर की बेल्ट लगाई है, सारे हॉर्स पाइप ईपीडीएम के लगे हैं, हैवी ड्यूटी रेडिएटर लगाया दोस्तों देख सकते हैं, कूलेंट भी इसमें हम लोग डाल के देते हैं, साइड में पूरी सपोर्ट लगाई है रेडिएटर की, बिल्कुल रेडी टू यूज़ जनरेटर आता है दोस्तों, केवल बैटरी कनेक्ट करो, डीजल डालो और जनरेटर को स्टार्ट कर लो आप, सारा सामान हम लोग डाल के देते हैं। इसका प्राइस जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी होती है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये सारे हॉर्स पाइप वगैरह ब्रांड न्यू मिलेंगे आपको। इसका टर्बो है दोस्तों, बहुत ही शानदार इंजन है दोस्तों, मेक इन इंडिया टाटा का भरोसा। ये हैवी ड्यूटी बैटरी की डील लगी है, वायरिंग के अंदर फ्यूज़ भी दिया हुआ है, ये बैटरी का स्टैंड है जहाँ बैटरी रखी जाएगी दोस्तों। एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके आके आपको जो पैसा पे दे रहे हैं उसका क्या चीज़ मिलेगी आपको। कोई भी इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब में नहीं बताएगा, सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं आजकल, तो बेवकूफ़ ना बने दोस्तों। चलो स्टार्ट करके आपको लोड डाल के दोबारा दिखाते हैं दोस्तों, और आवाज़ भी चेक कराते हैं। हाफ सेल्फ में इंजन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जीरो वाइब्रेशन सेट होते हैं दोस्तों हमारे, सिंगल बैरिंग सेटों का यही फायदा होता है, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी आपको। आवाज़ भी सुन सकते हैं कितनी शानदार आवाज़ है, देख सकते हैं 237 वोल्टेज है, 51.5 फ्रिक्वेंसी है, बीच में एम्पियर आएंगे दोस्तों। अभी मैं आपको लोड भी डाल के दिखाने वाला हूँ दोबारा से कि पैनल किस तरीके से काम करता है, ये देख सकते हैं चारों तरफ से घूम के दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी धुआं नहीं है दोस्तों, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है देख सकते हैं आप, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई फालतू नॉइज़ नहीं है, बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार जनरेटर दोस्तों। अब उस पर लोड डालेंगे हम लोग धीरे धीरे करके, देख सकते हैं लोड डालना चालू हो चुका है, ये बीच में एम्पियर आ रहे हैं दोस्तों, और वोल्टेज बढ़ेंगे दोस्तों, घटेंगे नहीं, आप देख सकते हैं आपके आंखों के सामने लाइव चल रहा है, देख सकते हैं 240 के आसपास वोल्टेज आ चुके हैं, और करीब 80 एम्पियर के आसपास लोड चल रहा है, और बिल्कुल भी धुआं नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है जिनको दोस्तों, बिल्कुल साफ जनरेटर चल रहा है, हर एंड पे बिल्कुल ब्रांड न्यू जेनसेट बन चुका है दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन में आप इसे लगा सकते हैं। फिलहाल ये डीजे के लिए जा रहा है दोस्तों, और डीजे के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बहुत महत्वपूर्ण होती है, सारे म्यूटर में भी लाइट जलती है दोस्तों, रात में भी आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर आ रहा है, सारी चीज़ें आपको क्लियर बताएगा, और ये इससे लगभग 80 एम्पियर लोड चल रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं, आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार जनरेटर है दोस्तों, ग्रिडी के लिए तैयार हुआ है, लक्ष्मी डीजे वाले भाई ने हमसे परचेज किया है ग्रिडी झारखंड के लिए, और क्वालिटी आपके सामने है दोस्तों, कम बजट में बहुत ही शानदार जनरेटर है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धमाकेदार जनरेटर है। अभी से खींचेंगे और ये जनरेटर दोस्तों बंद हो जाएगा, देख सकते हैं आप, इसे ऑफ कर देंगे, अभी डिलीवरी के बिल्कुल तैयार है दोस्तों, अच्छी तरह साफ सफाई करके इसे हम लोग पैक करेंगे अभी, और पूरा अच्छी तरह गत्ते से पैक कर दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, TCR ट्रांसपोर्ट से ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी होती है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जनरेटर मंगा सकते हैं, इवन इंडिया के बाहर भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, आप हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कहीं भी आप हमसे जनरेटर आसानी से मंगा सकते हैं दोस्तों। तो ये जनरेटर गाड़ी में लोड हो रहा है, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दिए गए नंबर पर जल्द से ऑर्डर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जिनी, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।